हेलो गाइज, आप हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी स्नैपचैट में ये प्रॉब्लम आ रही है, लिखा रहा फेल टू स्टार्ट सेवरल टाइम्स, रिस्टोर इट बाय क्लियरिंग हिस्ट्री, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेड को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका नाम मैं बताता हूँ, इसका नाम है ऐप्स। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज ऐप्स का। तो मैनेज ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और मैनेज ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्नैपचैट के ऐप को ढूँढ लेना है। तो यहाँ से मैं भी ढूँढ लेता हूँ, यहाँ पर मुझे मिल चुका है। उसके बाद इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें जाना है इसकी ऐप परमिशन पे, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की परमिशन होगी। हमें सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ पर डिनाई नहीं करनी है। तो सारी परमिशन यहाँ पर इनेबल कर देते हैं हम। तो परमिशन इनेबल करने के बाद हमें जाना है अदर परमिशन पे। तो अदर परमिशन पे भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ भी सारी परमिशन हमें इनेबल कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन डिनाई नहीं करनी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो आपको एक ऑप्शन देखेगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई और मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो क्या करना है आपको इन दोनों को इनेबल कर देना है और ध्यान कर रखना कि इनको ऑफ नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो इनको मैं ऑन कर देता हूँ, अगर बाय चांस ऑन होंगे तो एक दो मिनट के लिए ऑफ कर देना, फिर दो मिनट बाद टर्न ऑन भी कर दीजिएगा। इसके बाद क्लियर डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा और साथ में आपने स्नैपचैट के ऐप को फोर स्टॉप कर दीजिएगा। फोर स्टॉप करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट बाद स्नैपचैट को चला के देखना, आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी।